हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव, आपके साथ मैं शिवांगी, आज की कुछ ताजा खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के पिलखुआ में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। एक पक्ष के युवक पर दूसरे पक्ष के लोगों ने धारदार कुल्हाड़ी से किए कई बार। युवक की हालत गंभीर, अस्पताल में कराया भर्ती। गांव में तनाव का माहौल, कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद, पुलिस जांच में जुटी। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के गांव हावल का मामला, हापुड़ के कप्तान दीपक भूकर ने तुरंत लिया एक्शन, मौके पर पहुंची पुलिस। संवाददाता आलम टाइगर की खास रिपोर्ट। मेरा नाम सतावत है। ये बताइए क्या मामला है? मेरे भाई पर हमला जो हुआ था अब से दो तीन पहले, वो जो है वहाँ गए थे चाउमीन खा रहे थे साथ के उसके लौटे, तो वहाँ विवाद हुआ, गाली गिरफ्तार हुई थी, हाँ तो शांत करा दिया था। आज 3-4 बजे जब घर से निकला, पीछे से धोखे से वार कर दिया। वार करने के बाद जो है बहुत गंभीर हालत है। किस चीज़ से वार किया था? कुहाड़ी से वार किया था, दो कुहाड़ी सिर में लगी हुई है, आधा हवा खत्म है। मेरा भाई गंभीर हालत में है। इन्होंने वार किया है, वो जो है पहले रहने वाले कमालपुर के थे, काम वो चुनाए के करते हैं, बेलदारी मजदूर। किस चीज़ को लेकर विवाद? चाउमीन का पुल हुआ था अब से 3 दिन पहले, वो शांत हो गया था। आज दिनांक 16/5 को देर शाम थाना पिलखुआ क्षेत्र के ग्राम खावल से एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर पीड़ित को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। पीड़ित परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना पिलखुआ पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।